हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक के बारे में, हाइड्रोलिक पाइप के बारे में। हाइड्रोलिक पाइप अगर आपका फट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए फर्स्ट में। हाइड्रोलिक पाइप अगर फट जाता है तो दोस्तों इसी बारे में वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आने वाली की नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी। फर्स्ट में आपको क्या करना है, इंसुलेटर डाउन कर लेना है। कोई सा भी कंपनी का मशीन हो, आपको इंसुलेटर डाउन कर लेना है और तुरंत जो है आपको बंद कर लेना है। जिस पोजीशन में आपका मशीन हो उसी पोजीशन में आपको बंद कर लेना है, ठीक है। और बंद करने के बाद तुरंत आपको निकलना है निकल कर। और चलिए बाहर की तरफ बताता हूँ क्या क्या करना है। और चाहे उधर वाला पाइप जो फट जाता है जल से जला कर ऊपर और आपको उसको पुश करना है, ठीक है। तो बता दो इसको आकर इसे पुश करना है, ठीक है। इसमें उठाने वाला रहता है, किसी में पुश करने वाला रहता है। आप पुश लिखा आएगा, पुश कर देते इसको दबा दीजिए तो जितना एयर होगा इसमें का आपका हाइड्रोलिक रुक जाएगा, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक जो है जियान हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल बनाया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आने वाले की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।